नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साधुक स्पिरिचुअल फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के पहले दिन की आसान पूजा विधि और कलश स्थापना की विधि जो कि नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। दोस्तों नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। यह कलश पूरे 9 दिन तक निर्धारित स्थान पर रखा जाता है। पूरे 9 दिन तक इसी कलश के पास आपको माता दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा अर्चना करनी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नवरात्रि में कलश स्थापित कैसे करना है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम आपको प्रातःकाल स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहनकर विधि पूर्वक पूजा आरंभ करनी है। इसके बाद आप एक चौकी लगा लें और चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछा लें और उसके बाद माता को स्थान देने के लिए कोई छोटा सा आसन ले लें और फिर माता की तस्वीर को चौकी पर विराजमान कर लें। माता की कोई नई फ़ोटो या तस्वीर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो फ़ोटो है, जो मूर्ति है, उसी से आपको पूजन करना है। दोस्तों ये पूजन विधि बिल्कुल आसान है और इस आसान पूजन विधि को करके आप माता रानी का आशीर्वाद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आप चौकी पर गौरी गणेश जी को स्थान देंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई पूजा होती है तो बिना गणेश जी को स्नान दिए हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। हल्दी को जल में मिला करके गंगा जल में गौरी गणेश जी को तैयार करना है। आप गोबर से भी इनका स्वरूप बना सकते हैं या मुल्तानी मिट्टी से भी गौरी गणेश जी का स्वरूप बना सकते हैं। इतना करने के बाद आपको कलश स्थापित करना है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें एक कलश चाहिए होगा। आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर हमें रोली ज़रूर बांधनी है, क्योंकि कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता, रोली ज़रूर बांधी जाती है। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। स्वास्तिक को बहुत शुभ माना जाता है, तो स्वास्तिक का चिन्ह कलश पर ज़रूर बना दें। इतना करने के बाद आप कलश में शुद्ध जल भर लेंगे। इसके बाद कलश में हल्दी का टुकड़ा डाल देना है। हल्दी की गांठ डालने के बाद आप कलश में एक सुपारी डाल देंगे, एक लौंग डाल देंगे और एक इलायची डाल देंगे। इतना करने के बाद आपको कलश में एक सिक्का डाल देना है। आप चाहे तो नॉर्मली सिक्का ले सकते हैं, आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। इतना करने के बाद हमें चाहिए होंगे आम के पत्ते। हम नवरात्रि में 9 दिन के लिए कलश की स्थापना करते हैं, तो आप 7 पत्तों वाली आम की टहनी लेते हैं। आप चाहे तो 9 पत्तों वाली या 11 पत्तों वाली टहनी भी ले सकते हैं। तो आम के पत्तों को कलश में लगाने के बाद उन सभी पत्तों को तिलक कर देंगे। रोली से तिलक करने के बाद आप पत्तों को हल्दी से भी तिलक कर लेंगे। हल्दी को भी बहुत शुभ माना जाता है। इतना करने के बाद हमें कलश पर एक पूर्ण पात्र रखना होता है। पूर्ण पात्र का मतलब होता है कि हम कलश पर ढक्कन लगाएंगे और उस ढक्कन को किसी भी अन्य से भर लेंगे। आप उस ढक्कन या प्लेट में चावल जो भी भर सकते हैं या आप गेहूं भी भर सकते हैं। तो अब हम कलश को पूर्ण पात्र से ढक लेंगे। कलश को ढकने के बाद हमें नारियल तैयार करना है। तो दोस्तों नवरात्रि पूजन में जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो जो आप नारियल लाए उसे बजा कर लाए। नारियल सूखा नहीं होना चाहिए, नारियल में पानी होना चाहिए और जो नारियल का मुख होता है वो हमें पूजा करने वाले की तरफ रखना होता है। इसके बाद आप कोई लाल कपड़ा ले लेंगे या जो नारियल की चुनरी आती है आप नारियल की चुनरी भी ले सकते हैं। इसके बाद आप उस चुनरी को नारियल पर लपेट लेंगे और इसके बाद अब हम नारियल को कलश पर रखेंगे और नारियल का जो मुख है वो आपको पूजा वाले की तरफ ही रखना है। इसके बाद हम जवारे बो लेते हैं। जवारे कैसे बोने हैं इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार हम वहाँ जाके देख लेंगे। इसके बाद कलश को जवारे के पात्र के बीचों बीच रख लेना, स्थापित कर देना। इसके बाद कलश पर फूल अर्पित करेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाती है। दोस्तों एक तरीका तो ये है कलश स्थापित करने का, और एक कलश स्थापना करने का दूसरा तरीका है कि आपको चावल लेने और उन चावल से आपको अष्टदल कमल बना लेना है, जैसा कि वीडियो में दिखा गया है। बिल्कुल इसी तरह से अष्टदल कमल बना लेना है, फिर इसके बाद हम कलश को स्थापित कर देंगे। तो एक तरीका ये होता है कलश स्थापित करने का। दोस्तों कलश स्थापना करने की ये दोनों विधि सरल है। आप किसी एक विधि से कलश स्थापना कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।